करेंगे बोट की तरफ से वेव ग्लोरी स्मार्ट वॉच के बारे में। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग कैसा है ये स्मार्ट वॉच 2500 के अराउंड की प्राइसिंग में पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में एकदम। आप देख रहे हैं टेक कॉस्मोस, मेरा नाम है फरहान। ये है बॉक्स, इसको ओपन करेंगे। मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, तो अंदर आपको जो है बॉक्स में आपको बहुत सारे मैनुअल मिल जाएंगे, कुछ स्टिकर्स भी है। ये रहा स्मार्ट वॉच, उसके साथ साथ आपको मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है जो की आराम से फिट हो जाएगा। बॉडी की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो काफी अच्छा स्ट्रैप है, प्रीमियम लगता है एकदम। पीछे में आपको प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पर सारे सेंसर है आपके, और साइड जो है एल्युमिनियम का फ्रेम है पूरा, तो बहुत सॉलिड फील आती है उससे। और यहाँ पर आपको क्राउन है और यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है स्लीप का, तो क्राउन वैसे फंक्शनल है, देख सकते हो काफी अच्छा काम करता है। ऊपर से स्लाइड करोगे तो सारे ब्राइटनेस है, स्लीप है, उसके बाद कॉल का है, सेटिंग्स है, वाइब्रेट पे है। लेफ्ट से स्वाइप करने पे आपको सारे टॉगल्स मिल जाएंगे, ऊपर से स्वाइप करोगे सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, राइट स्वाइप करोगे सारा हार्ट रेट, एक्टिविटी डेटा, स्ट्रेस का, ब्लड ऑक्सीजन, कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मेन्यू में जाओगे तो स्पोर्ट्स, फोन कॉल, एक्टिविटी डेटा, हार्ट रेट, मेल फीमेल वेलनेस, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, स्टॉप वॉच, नोटिफिकेशन, स्लीप, एक्सरसाइज, अलार्म, कैमरा, म्यूजिक, टाइमर, AI वॉइस, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। और डाउनलोड कर सकते हो ऐप, यहाँ से आप इसे स्कैन करोगे तो आपको जो है ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो सेटिंग्स में जाओगे तो वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो आप बहुत सारे। जनरल में जाओगे तो वेक जेस्चर आता है, उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब का मोड है, लॉक कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट है, तो जैसे मैं बंद करूंगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चल रही है। डिसाइड क्लॉक रख सकते हो, फिर यहाँ ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस मैंने मैक्सिमम रखी है। मेन्यू स्टाइल कंट्रोल कर सकते हो, रिबूट, पावर ऑफ, फैक्ट्री रीसेट, ये सब कर सकते हो। जल्दी से हम लोग सारी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस में बताऊंगा। वॉच में आपको 1.96 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस है। मैंने सनलाइट में भी टेस्ट किया था, ब्राइटनेस सही निकल के आ जाती है। ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट है, मैं कॉलिंग करके आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा अभी। वॉच में आपको जो है 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, आपको जितनी एक्टिविटी चाहिए सब की सब मिल जाएगी उसमें। और मोबाइल से आप जो है वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको IP67 का भी रेटिंग मिल जाती है। तो मैंने जो है इसको थोड़ा पानी में भी डाल के देखा था, तो उस टाइम भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखी, आराम से वॉच काम कर रहा था। और कॉन्टैक्ट्स में आप जो है 20 कॉन्टैक्ट आराम से सेव कर सकते हो इसमें। और यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी हार्ट रेट अपना मेजर कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी जल्दी बताता है डेटा। 63 आ चुका है, 65 चल रहा है अभी मेरा ब्लड प्रेशर। गाइस देखो, अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो एकदम प्रॉपर इक्विपमेंट्स लेना, कोई भी बजट स्मार्ट वॉच पे या फिर हाई एंड स्मार्ट वॉच को यूज मत करना। या आपको जो है वॉच का ऐप मिल जाएगा, तो इसमें आप जाके चेक कर सकते हो पूरा अपना जितना भी डेटा है आपका, एनालिसिस मिल जाएगा आपको, एक्टिविटी मिल जाएगा। माई वॉच में आप जाके जो है वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, तो बहुत सारे आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो कि काफी ज्यादा कूल लगते हैं। और ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से जो ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने। कैमरे का सपोर्ट है, अलर्ट्स मिल जाएगा। वॉच के सेटिंग्स में आप वेक जेस्चर, 24 आवर फॉर्मेट, एंटी लॉस्ट वॉच, ये सब ऑन कर सकते हो। इसको फर्मवेयर अपडेट्स होगा तो वो आपको दिखा देगा। इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, और कोई एप्लीकेशन डाल सकते हो, गोल सेटअप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैटरी लाइफ आपको कितनी मिलेगी। तो देखो, मैंने जितना यूज किया बिना कॉलिंग के, मुझे आराम से ये 5-6 दिन निकाल के दे रहा है। और जब मैं कॉलिंग कर रहा हूँ तो 2-3 दिन तक आराम से बैटरी बैकअप मिल जा रहा था मुझे। तो क्या अभी मैं बात कर रहा हूँ इस स्मार्ट वॉच से, और मुझे थोड़ा हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसी आवाज आ रही है मेरी अभी। कैसी वैसे आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो ठीक आ रही है, बस थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होती तो। अच्छा, थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? बैकग्राउंड से नहीं चल रहा है आवाज, तो मेरे पास नहीं आ रही। और गाइस मैंने वॉल्यूम जो है पूरा फुल रखा हुआ है, तो आप स्पीकर का ऑडियो भी सुन सकते हो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, अभी तो क्लियर आ रही है, मतलब लाउड भी आ रही है, लाउड भी। बैकग्राउंड से जरा भी नॉइज नहीं आ रही है? नहीं, ज्यादा तो नहीं आ रही। ठीक है, हवा में से चल रही है। कमेंट्स में नीचे बताओ आपको कैसी लगी इसकी आवाज। अब बात करते हैं हम लोग 2500 की प्राइसिंग में, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, बॉडी बिल्ड डिजाइन बहुत अच्छा है स्मार्ट वॉच का। कॉलिंग में भी ऐसे कुछ खास दिक्कत मुझे नहीं आई, आराम से बात हो जा रही थी। IP67 का रेटिंग मिलता है, उससे मुझे काफी फायदा हुआ, क्योंकि काफी बारिश वरिश कभी हो रही थी, तो उसमें मुझे दिक्कत उतनी नहीं आई, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है स्मार्ट वॉच। और एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस स्मार्ट वॉच की, जैसे आप अगर कोई स्मार्ट वॉच पहनते हो जो कि प्रीमियम लगती है, तो वो बहुत ज्यादा भारी होती है, बट ये स्मार्ट वॉच हल्का होने के बाद भी काफी ज्यादा प्रीमियम लुक। और लोग आपसे पूछेंगे कि कौन सी वॉच है ये, कहां से ली, कितने की ली, तो ये सभी क्वेश्चंस आए थे मुझे।